आजकल के डिजिटल दौर में हम सब अपने ज्यादातर काम स्मार्टफोन या इंटरनेट के जरिए करते हैं। बैंकिंग का तो ज्यादातर काम पूरी तरह कंप्यूटर पर ही डिपेंड हो गया है। यही वजह है कि आजकल बैंक से जुड़े धोखाधड़ी के मामले भी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। हाल में आए ताजा आंकड़ों के मुताबिक यूनाइटेड किंगडम में संदिग्ध मनी से संबंधित जितने भी मामले आए हैं उनमें से लगभग 23% मामले ऐसे युवाओं से जुड़े हैं जिनकी उम्र 21 साल से नीचे है। ऐसे में इन तरह के फ्रॉड से बचकर रहना बेहद जरूरी है। इनमें से एक तरीका है कि अपराधी धोखे से चुराया हुआ पैसा आपके बैंक अकाउंट में भी डाल सकते हैं। इसके शिकार लोगों को मनी म्यूल कहा जाता है। म्यूल का शाब्दिक अर्थ होता है खच्चर, यानी यूनाइटेड किंगडम से जुड़े जिस डेटा का मैंने अभी जिक्र किया वह मनी म्यूल से जुड़े हैं। मनी म्यूल उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनके बैंक अकाउंट में अपराधी धोखे से चुराया या गैर कानूनी पैसा डाल देते हैं। जब ये घटनाएं होती हैं तो वे व्यक्ति पुलिस की पड़ताल का हिस्सा बन जाते हैं क्योंकि वे भी इसमें शामिल होते हैं। दरअसल इसमें अपराधी ग्राहकों को ईमेल, चैट रूम, नौकरी की वेबसाइट या फिर ब्लॉग के जरिए संपर्क करते हैं और उन्हें किसी आकर्षक कमीशन के बदले अपने बैंक अकाउंट में पैसे लेने के लिए राजी कर लेते हैं। इसके बाद अपराधी उसके अकाउंट में अवैध पैसा ट्रांसफर कर देता है। फिर उस व्यक्ति को पैसा किसी दूसरे ऐसे फंसाए गए व्यक्ति को ट्रांसफर करने के लिए कहा जाता है। इसे एक चेन बन जाती है और अंत में घुमा फिराकर पैसा अपराधी के अकाउंट में आ जाता है। धोखाधड़ी की इस पूरी प्रक्रिया में इसका शिकार हुआ व्यक्ति भी पुलिस की जांच का टारगेट बन जाता है, जबकि मूल अपराधी पैसे की इस भूल भुलैया में बड़ी ही चालाकी से निकल जाते हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसे धोखाधड़ी से कैसे बचे। सबसे पहले तो ऐसे ईमेल का जवाब ना दे जिनमें किसी विदेशी कंपनी में नौकरी के लिए आपकी बैंक डिटेल मांगी गई हो। पहले कंपनी के बारे में सारी जानकारियों की पुष्टि कर ले, उसके बाद ईमेल की रिप्लाई करे। अगर कोई आपसे संपर्क करता है और कमीशन का झांसा देकर आपके खाते में पैसा डलवाना चाहता है तो ऐसे आकर्षक ऑफर के झांसे में ना आए। अगर आपको इस बात का शक होता है कि आप मनी म्यूल का शिकार हो रहे हैं तो तुरंत उपयुक्त संस्थाओं जैसे कि बैंक, पेमेंट गेटवे या अन्य कानूनी संस्थाएं आदि से संपर्क करें। इस तरह पैसे के चक्कर में मनी म्यूल यानी खच्चर ना बने। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।